भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी देने वाला आरोपी भोपाल पुलिस की हिरासत में आ गया है। जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले आरोपी को महाराष्ट्र के नांदेड़ से भोपाल एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए शख्स का नाम सैयद अब्दुल रहमान है, वो नांदेड़ का ही रहने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। दरअसल सांसद साध्वी प्रज्ञा को एक बंद लिफाफा मिला था जिसके अंदर एक धमकी भरी चिट्ठी थी। बता दें कि लिफाफे के साथ साध्वी प्रज्ञा के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तस्वीर भी शामिल थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन सभी तस्वीरों में क्रॉस का निशान भी बना हुआ था। जानकारी के मुताबिक चिट्ठी को उर्दू भाषा में लिखा गया था। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.